नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में आई बाढ़ के नुकसान से लोग अभी उभरे भी नहीं हैं। इस बीच जलभराव के कारण बीमारियां फैलने लगी है। दरअसल प्रदेश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। घरों में एक के बाद एक लगभग हर सदस्य को संक्रमण हो रहा है। तेजी से फैल रहे आई फ्लू के मामलों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चाहे बात हरियाणा के नूह जिले की हो या फिर करनाल, पानीपत और भादुड़गढ़ समेत अन्य जिलों की हो, लगातार प्रदेश से आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। भादुड़गढ़ के सिविल अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में रोजाना 200 मरीज आते हैं और इनमें से 100 से ज्यादा मरीज आई फ्लू के होते हैं। वही पानीपत के सिविल अस्पताल में इस समस्या के रोगियों की संख्या 70 से 80% हो गई है। बता दें, आई फ्लू संक्रमण उमस भरी गर्मी और बारिश के दौरान फैलता है। वैसे इसके दूसरे भी कई कारण होते हैं। आई फ्लू की चपेट में बच्चे और युवा सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कुछ देर के अंदर ही ये संक्रमण आंखों में नजर आने लगता है। स्कूलों में तो स्थिति ये है कि बच्चा सुबह घर से ठीक ठाक जाता है और दोपहर से पहले ही इस संक्रमण की चपेट में आ जाता है। ऐसे में अभिभावकों के पास बच्चों को स्कूल से लेकर जाने के मैसेज आ रहे हैं। संक्रमित बच्चों को स्कूल ना भेजने की हिदायत भी दी जा रही है। फिलहाल अगर आपको भी अपने अंदर आई फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपना इलाज डॉक्टर से करवाएं और उसका चेकअप करवाएं और ठीक होने तक खुद को ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।